नमस्कार साथियों, महाभारत युद्ध के आरंभ में मोह से ग्रस्त अर्जुन बिल्कुल बच्चों जैसा व्यवहार करने लगता है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, मुंह सूख जाता है, धनुष हाथ से छूट जाता है और वह शिथिल गात होकर रथ पर गिर जाता है तथा युद्ध करने से इनकार कर देता है। भगवान श्री कृष्ण पहले तो अर्जुन के लिए मूर्ख, मूढ़ एवं कायर जैसे कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन अर्जुन फिर भी नहीं मानता और बाद में कृष्ण से उनकी विशेषता बताने की आग्रह करता है। तो गीता के अध्याय 10 में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ, वैसे तो मेरी विभूतियां अनंत हैं, फिर भी मेरी जो दिव्य विभूतियां हैं उनके बारे में तुम्हें संक्षेप में कहता हूं। और शुरुआत कुछ इस तरह की ऊंची बातों से करते हैं कि हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा अर्थात संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही। लेकिन अर्जुन को देखकर बोलते हुए श्री कृष्ण को लगा कि ये बातें तो अर्जुन के माथे के ऊपर से गुजर रही हैं। तो जिस तरह से एक अभिभावक अपने छोटे बच्चे को या एक शिक्षक अपने छोटे छोटे शिष्यों को चित्र दिखाकर अक्षरों की पहचान कराते हैं, जैसे कलम का क, गमला का ग, खरबूज का ख या घड़ी का घ, ठीक उसी तरह से वे अर्जुन को कुछ विशेष चित्रों के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु हूँ और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा। मैं वेदों में साम वेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जाने। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि, घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैः स्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में एरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता और पीतरों में अर्यमा नामक पीतर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में
श्री भागीरथी गंगा जी हैं। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में आध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद। मैं अक्षरों में अकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल सब ओर मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति और क्षमा। गायन करने वाले योग्य श्रुतियों में मैं बृहत साम और छंदों में गायत्री छंद तथा महीनों में मार्ग शीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं हूँ। मैं छल करने वालों में जुआ हूँ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। मैं वृषलिवंशियों में वासुदेव अर्थात स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। और अंत में कहते हैं कि मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। साथियों, भगवान के द्वारा इन विभूतियों को कहने का गूढ़ रहस्य है जिसकी चर्चा कभी और करेंगे, मगर इतना सब सुनने के बाद भी अर्जुन के मन उनके प्रति पूर्ण विश्वास नहीं होने के कारण वह उनके ज्ञान ऐश्वर्य एवं शक्तियों से संपन्न विराट रूप को देखना चाहता है। तब श्री कृष्ण करुणावश उन्हें दिव्य दृष्टि देकर अपने परम अलौकिक एवं दुर्लभ रूप का दर्शन कराते हैं। प्रेम से बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। Thank you.